हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी सिंह व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे और यहाँ पे टेम्परेचर है -4। रात को काफ़ी स्नोफॉल हुई थी, आप देख सकते हो हमारे बैकयार्ड में, पूरा बैकयार्ड स्नो से भर गया है। अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है, बट इट इज़ मोर लाइक फ्लरीज। रोड्स तो इन्होंने साफ कर ही दिए होंगे, आपको दिखाते हैं आज स्नोफॉल के बाद कैनेडा। रोड्स तो काफ़ी क्लियर कर दिए, अच्छी बात यह है कि इन्होंने अंदर वाले रोड्स भी क्लियर कर दिए। ज़्यादातर क्या होता है, पहले ये मेन रोड्स क्लियर करते हैं। आई थिंक इन्होंने रात रात में ही अंदर वाले रोड्स भी क्लियर कर दिए। हमारी गाड़ी भी स्नो से भरी हुई है, तो अभी हम करेंगे गाड़ी साफ। गाड़ी साफ करने से पहले हम एक बार दरवाज़ा ओपन करके गाड़ी ऑन कर लेंगे, ताकि हीटर से जो कार की विंडोज़ वगैरह है वो सब वार्म हो जाए। जो ऊपर की स्नो की लेयर है वो तो साफ़ हो रही है, बट जैसे ये लेयर है, ये रात की स्नो पड़ी हुई है, तो ये नहीं साफ़ हो रही। बट इसीलिए हमने हीटर ऑन किए, ताकि जो नीचे की भी लेयर है वो भी साफ़ हो जाए। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी रात को, क्योंकि ये देखो, स्नोफॉल के बाद ये जो फर्स्ट लेयर थी ये तो बिल्कुल जम गई है। देखो, धीरे धीरे पिघलनी स्टार्ट हो गई है। और अगर कोई बंदा चूज करता है कि छोड़ो कौन साफ करेगा, बस फ्रंट साफ करके लेट्स गो, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे उसका भी चलान है। बिकॉज अगर आपकी गाड़ी पे स्नो है तो योर विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर, सो दैट कैन बी फेटल फॉर यू एज वेल एज फॉर अदर्स। सो जब तक स्नो पिघल रही है, हम बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माई 2023 रेजोल्यूशन। आई नो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, लाइक 15 January तो होने वाली है। ये वीडियो मेरे को फर्स्ट वीक में अपलोड करनी थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला। आई एम डूइंग अ फुल टाइम जॉब, सो मेरा 6 days a week जॉब होती है, एक दिन छुट्टी मिलती है, जिसमें मेरे को एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, शूट भी करना है, आइडिया भी सोचना है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में आइडिया सोचना है। सो आई डोंट गेट मच टाइम। अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा फर्स्ट रेजोल्यूशन है, अभी वीडियो अपलोडिंग के बारे में ही है, दैट आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इन अपलोडिंग वीडियोज ऑन माई यूट्यूब चैनल। लाइक अभी मेरा क्या सीन चल रहा है, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसके 2-3 वीक बाद मेरी दूसरी वीडियो आती है। मैंने अल्बर्टा Part 1 लास्ट ईयर December में अपलोड किया था, और अभी तक Part 2 उसका नहीं आया है। बाय द वे, अगर आपने Part 1 नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद जाके जरूर देखना। तो अभी Part 2 मेरे पास वीडियोस पड़ी है, बट एडिट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। सो आई वांट टू बी कंसिस्टेंट, लाइक एटलीस्ट दिस ईयर एवरी वीक आई वांट टू अपलोड 1 video। अभी हम सेकंड रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो मेरा सेकंड रेजोल्यूशन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम लॉन्चिंग अ न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्टफुल इंडिया, एंड होपफुली अभी उसका ट्रेलर आ जाएगा। एडिटिंग स्टेज में है, शूट में ऑलरेडी कर चुका हूँ वो ट्रेलर। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो मेरे केडी सिंह ब्लॉग्स चैनल को, इसी चैनल पे ट्रेलर आएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, जैसे ट्रेलर आएगा आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ऐसे न्यू प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आने के लिए। हे गाइस, आजकल आप कोई भी न्यूज चैनल देख लो, न्यूज़पेपर देख लो, या फिर अपना सोशल मीडिया देख लो, आपको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है कि इफ समबडी इज हैविंग अ बैड डे, उसका दिन और ज्यादा खराब हो जाएगा, और आपको ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सब नेगेटिव ही हो रहा है। सो मैं हमेशा से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था जहां पे लोग आए, उन्हें न्यू चीजें सीखने को मिले, पॉजिटिव चीजें सीखने को मिले, इंडिया के बारे में, इंडिया की तरक्की के बारे में पता चले, इंडिया की पॉजिटिव हिस्ट्री के बारे में पता चले। सो दैट इज वाई टुडे आई एम लॉन्चिंग इम्पैक्टफुल इंडिया।
यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में फैक्ट्स, हिस्ट्री, लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट टॉपिक्स, बट ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। मेरी वीडियोस हफ्ते में 4 दिन आएगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे। तो 4 दिन आपको इंडिया के बारे में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप Instagram पर देख रहे हो, मेक श्योर आप पेज को फॉलो करो। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अभी हम जा रहे हैं कार वॉश करवाने, और कार वॉश करवाने से पहले हम जाएंगे टिम हॉर्टन्स कॉफ़ी लेने। एंड इस वीडियो में आपको ये भी शो करूँगा कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइव थ्रू से ही हो जाती है, लाइक यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ योर कार। स्नोफॉल हो रही हो और टिम हॉर्टन्स के ड्राइव थ्रू में लाइन अप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? Hi, can I just have one medium triple coffee? Yeah, sure. Anything else? No, that's it. Okay, 190. Thank you. Thank you. Coffee ले लिए, अभी हम चलते हैं कार वॉश करवाने। And I'm sorry, आज maximum video हमारी, maximum क्या, सारी video आज हमारी कार में ही होगी, because it's snowing and I don't wanna go outside. हम कार वॉश में पहुंच गए हैं और अभी बस अपनी टिकट स्कैन करेंगे एंड वी कैन ड्राइव इन। और इसे बोलते हैं ड्राइव इन कार वॉश, लाइक एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक। आपको कार के अंदर बैठे रहना है, गाड़ी अंदर जाएगी, वॉश होगी, सोप लगेगा, रिंस भी हो जाएगी वाटर से, एंड देन ड्राई होकर बाहर निकल जाएगी। टिकट स्कैन कर दिया हमने। थर्ड रेजोल्यूशन जो मैंने इस ईयर डिसाइड किया है वो है आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई हेल्थ। कैनेडा में मेरे को 4+ years हो चुके हैं एंड यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता। यू हैव टू स्टडी, आपको जॉब पे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, घर के सारे काम करने होते हैं, इन सब चीजों में आप अपनी हेल्थ को भूल जाते। सो इस ईयर I want to focus on my health and I want to exercise, dieting करनी start करनी है, actually start कर चुका already. 1st January से exercise and dieting already start हो चुकी है और अभी तक अच्छी चल रही है, and hopefully इसी consistency के साथ मैं exercise and diet पे ध्यान देता रहूं। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने। मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 months में एक बार इंजन ऑयल चेंज करवाता हूँ। वैसे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी किलोमीटर्स यू ड्राइव, बट मेरे अप डाउन के हिसाब से एवरेज 3 months ही होता है। तो ये जो ऑयल चेंज का एक्सपीरियंस है ये भी ड्राइव थ्रू एक्सपीरियंस ही होगा। हम वहाँ पे जाएंगे, लोग आएंगे, हमारा इंजन ऑयल गाड़ी का चेंज करेंगे एंड जब हो जाएगा तो वो हमें बता देंगे एंड देन वी कैन जस्ट लीव। हमें गाड़ी से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
इंजन ऑयल चेंज डन हो गया है। तो अभी मेरे फोर्थ रेजोल्यूशन की बात करते हैं। सो दिस ईयर फोर्थ रेजोल्यूशन मेरा है कि आई वांट टू गो इंडिया। मैं एक ट्रिप इंडिया की लगाना चाहता हूँ। मैं 2018 में आया था कनाडा और उसके बाद अभी तक मैं वापस इंडिया गया ही नहीं। स्टडी खत्म हुई थी तब एक बार प्लान बना था जाने का, बट फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से नहीं जा पाया। उसके बाद डिले होता गया और अब तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है इंडिया जाने का, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जाकर आए। सो होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद इस साल इंडिया की ट्रिप मैं लगा ही लूँ। सनसेट होने लगा है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, तो अभी हम चलते हैं वापस घर पे और फिर घर पे पार्किंग करके हम बात करेंगे अपने फिफ्थ रेजोल्यूशन के बारे में। घर जाने से पहले मैंने सोचा अपना मेल बॉक्स भी चेक कर ही लेते हैं। तो अभी हम 10 मिनट हुए थे, 10 मिनट का रास्ता था घर तक और पूरा अंधेरा हो गया। पहले फिर भी बहुत ज़्यादा रोशनी थी बट अब तो बिल्कुल अंधेरा हो गया बाहर। बाहर इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है कि वीडियो ही नहीं बन पा रही थी। मैंने सोचा घर के अंदर ही आके वीडियो बनाते, तो अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ। अभी हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ रेजोल्यूशन की। तो जो मेरा फिफ्थ रेजोल्यूशन है वो है टू लॉन्च माई ओन वेबसाइट। मैं एक अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं ब्लॉग्स डालूंगा ताकि जिन लोगों को रीडिंग पसंद है उन ऑडियंस तक भी मैं रीच कर पाऊँ। और वेबसाइट में मैं अपने जो करंट प्रोजेक्ट्स है, लाइक मेरे दो चैनल्स जो होंगे, एक इम्पैक्टफुल इंडिया और KDC ब्लॉग्स, दोनों के लिंक्स भी डालना चाहता हूँ। फिर जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनके बारे में डिटेल्स, करंट प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स। ज्यादा भी इसके बारे में सोची नहीं है, ये बहुत ही बिगिनिंग स्टेज पे है। इट्स जस्ट माई विश कि मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दूं। कोई भी प्लानिंग नहीं हुई है अभी इसके बारे में, सो आई एम नॉट श्योर हो पाएगा कि नहीं, बट जस्ट माई फिफ्थ रेजोल्यूशन। यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चले। इस ईयर मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है अब दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग सब्सक्राइब कर पाए। बिकॉज जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं इट गिव्स मी मोटिवेशन। I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. Yeah, I know it's bad, but I can't resist.